प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शरीर तेरा कुचला गया, हाथ पाँव दोनों छेदे गए। शरीर तेरा कुचला गया, हाथ पाँव दोनों छेदे गए। भाला पसली मैं छेद गया, भाला पसली मैं छेद गया। कांटों का मुकुट सिर पर था, अद्भुत क्रूस को निहारता। जब जिस पर ईशु तुम हुआ था। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम रोमियो की पत्री अध्याय 11 वचन 33 को मनन करेंगे। हम यहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं, आ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे, बताने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करें। काफ़ी बातें यहाँ पे हम देखते हैं इसी आयत में। आहा, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ ऐसी बातें जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो मनुष्य की सीमा में नहीं है, वो बातों को हम यहाँ देखते हैं। और एक और भी बात सोचने वाली है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। पहली बात इसमें देखेंगे वो क्या, परमेश्वर का धन। परमेश्वर का एकमात्र धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह धनी है, धनी था, वो धनी रहेगा। धनी हमारे लिए आया और कंगाल हो गया। जो उसने लूटा नहीं वो भी उसको भरना पड़ा। अपने आप को इतना खर्च कर दिया कि क्रूस पर एक एक खून का बूंद उसने दे दिया, एक एक खून का कतरा उसने बहा दिया। परमेश्वर का धन था, असीमित धन था, हमारे लिए सब कुछ खर्च हो गया, बहुतायत से दिया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। परमेश्वर की बुद्धि, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि है। बुद्धि और धन का भंडार उसमें छिपा है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। उसकी बुद्धि का भेद हम क्रूस पर देख सकते हैं। उस बुद्धि के भेद को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर खोला और विजयी प्रभु हुआ। उसने विजय का परचम पहराया, शैतान को हरा दिया। प्रभु की बुद्धि क्या ही अनोखी है। और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान तो अद्भुत है। उसके ज्ञान को मनुष्य समझ नहीं सकता, उसको ज्ञान को कितना भी कोशिश करे मनुष्य समझ से असीमित है। मनुष्य सीमित हो जाएगा, परमेश्वर सीमित है। उसके ज्ञान में भेद है, स्वर्गीय ज्ञान है उसका, ईश्वरीय ज्ञान है। हमारा ज्ञान पृथ्वी का है। और क्या ही गंभीर है उसका धन, उसका बुद्धि, उसका ज्ञान। सच में उसका गंभीर है। प्रभु यीशु मसीह गंभीरता से लिया है। हमको प्रभु को गंभीरता से लेना है।
उसका गंभीरता हमारे जीवन में होना है। हम तो मसीह की पत्री हैं, लोग बाइबल को इतना नहीं पढ़ते जितना हमारे जीवन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की गंभीरता को अपने जीवन में बसने दीजिए अधिकाई से, और उसके विचार, हमारे विचार परमेश्वर के विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारा विचार धरती का है, परमेश्वर का विचार स्वर्ग का है। हमारा विचार मनुष्य का विचार है, परमेश्वर का विचार ईश्वर का विचार है। हमारा विचार में अपवित्रता है, परमेश्वर के विचार में पवित्रता है। और उसका विचार कैसे अथाह है, अथाह माने एक भंडार, एक समुद्र, गहरा समुद्र है। जितना आप खोजो उतना आपको मिलेगा, जितना आप उसके पास आओ उतना ले सकते, ले लो आप। और उसके मार्ग, उसका मार्ग सच्चाई का है, उसका मार्ग स्वर्ग की ओर जाता है, उसका मार्ग ऊपर का है, उसका मार्ग एकदम आशीष से भरा हुआ है, उसका मार्ग अनुग्रह बहुतायत से भरा हुआ मार्ग है। ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, और कैसे अगम है, उसका जैसा मार्ग किसी का हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसका मार्ग एकदम सुंदर मार्ग है, उसका मार्ग एकदम अखमीरी है, उसका मार्ग एकदम मुलायम है, उसका मार्ग एकदम कोमल है, उसके मार्ग में शुद्धता है। उसका मार्ग में चलना कितना धन्य बात है। जब ये लेखक लिखता है, पौलुस लिखता है इसको, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है, और उसके मार्ग कैसे अगम है। कोई भी उसके भेद को समझ नहीं पाया। वो मनों के अभिप्रायों को जानता है, मनों को विचारों को वो जानता है, सबके मनों के हृदय की बात को वो जानता है। कोई भी ऐसा वस्तु बना नहीं जो उससे छिप जाए, वो अगम है। ऐसे परमेश्वर के लिए हम स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो अगम हमारे जीवन में प्रकट हुआ, हमारे हृदय में बास करता है। कितना धन्यवाद है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।